बहुत ज़्यादा कमी अखरती है मम्मी पापा की, कि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं उन लोग से, भाई बहन की, कि कभी कोई मजबूरी, कभी कोई मजबूरी जिसके वजह से जा नहीं पा रहे हैं, कभी वीज़ा स्टैम्पिंग का दिक्कत है, और जब से ये कोरोना आया है तब से तो ऐसा पनौती लग गया है कि मतलब हर कोई, इट्स नॉट जस्ट मी, सब लोग फंस गए हैं। और जब कभी भी ये फ्लाइट्स बंद हो जाता है तो लगता है कि सांस अटक गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, कब तक ये। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, हर किसी का यही है कि अरे बहुत टाइम हो गया अपने पेरेंट्स से मिले हुए, बहुत टाइम हो गया घर गए हुए। कजन्स की शादी हो गई, कितने सारे कजन्स की शादी हो गई और मैं नहीं जा पाई। बच्चों ने भी कोई शादी अभी तक इंडिया में देखी नहीं है। बस होते हैं सब लोग, सब रिलेटिव्स मिलते हैं तब हमको इंडिया की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है बस अब चले जाएं। रिलेटिव्स वहाँ हैं, हमारे पेरेंट्स वहाँ हैं, हम जहाँ पले बड़े हैं उसको कैसे मिस नहीं करेंगे। हम यहाँ सारी सुविधाओं से इक्विप्ड है, बट देन इंडिया में जो बात है वो बाहर कभी नहीं हो सकता ना, वो छोटी छोटी बातें। आपको ज़रूरत हो फैमिली मेंबर्स की, या आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी ज़रूरत हो, और जस्ट बिकॉज़ आप इतनी दूर हो तो आप बहुत ही हेल्पलेस सा फील करते हो, क्योंकि आप तुरंत नहीं पहुंच सकते हो या तुरंत अवेलेबल नहीं होते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिस्टेंस। यहाँ पे कितना भी अच्छा लगे लेकिन हमेशा एक दिमाग में ख्याल रहता है कि बहुत दूर है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इट्स डिफ़िकल्ट टू रीच देयर ऑन टाइम। कभी मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता। किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है घर पे तो लगता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं होती है तब लगता है कि उन लोगों के लिए हम लोग को वहाँ होना चाहिए। ये जो मजबूरियां हैं ये यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, वो जो लोग बाहर रहते हैं वही समझते हैं। चूंकि सब लोग अपना काम खुद से ही करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए कोई कर्मचारी चाहिए, कोई कुक चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल है और बहुत महंगा है। आपको मिल तो ज़रूर जाएंगे लेकिन ये सब इतनी किफ़ायती दर्जों पर आपको उपलब्ध नहीं होंगे। आपको इसके लिए अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वो मिस करते हैं। कि मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि इंडिया में सुख सुविधा बहुत ज़्यादा है। यहाँ लगता है कि हाँ लाइफस्टाइल है लाइफस्टाइल है, लेकिन एक बार आप बीमार पड़ गए ना तो आपका जो सामान जहाँ पड़ा है वही पड़ा रहेगा, कोई साफ करने नहीं आएगा। देर इज हेल्प फॉर यू और लोग हैं आपके लिए वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उस हिसाब से, तो बाकी ठीक है, जैसा है बढ़िया है, चल रहा है भगवान की दया से। छोटे छोटे सर्विसेज एंड जो काम होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल है इंडिया में। यहाँ बहुत प्राइसी होता है तो इस बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं हम, तो इसके लिए होम बहुत मिस होता है कि यार इंडिया में तो ऐसे नहीं है। और जब हम बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को तो लगता है यार ये तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि इंडिया के मुकाबले तो करेंसी डिफरेंस है उसमें, हमें हमेशा कन्वर्ट करते रहते हैं करेंसी, यार इंडिया के हिसाब से तो ये 1,000 हो गया, ये तो 10,000 हो गया, तो हमेशा हम लोग उस मोड में रहते हैं। बहुत एफर्ट करना पड़ता है अपने बच्चों को इंडिया का कल्चर देने के लिए कि हाँ दशहरा है तो उस तरह का पूजा पाठ का माहौल घर में बनाओ, दिवाली है तो इतना सारा
मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ कोई हेल्प नहीं है आपको, सब कुछ खुद ही करना है. डिफिकल्ट इंडिया में क्या होता है, आप घर से बाहर निकल जाओ और आपको ऐसे ही माहौल मिल जाता है. तो इतना कल्चर का, बच्चों को कल्चर देने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता. मुझे लगता है सब देख देख के ही बच्चे सीख जाते हैं वहाँ पर. स्पेशली जब फेस्टिवल्स होते हैं तो वो इंडिया का वो जो चार्म है, वो कलर्स हैं, वो वाइब्रेंट कंट्री जो है हमारी, वो चीज़ आप फेस्टिवल्स में खास करके वो मिस करते हो. यहाँ पे कितना भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो, हम कितना भी अच्छा से डेकोरेट कर ले घर, कैसे भी सेलिब्रेट कर ले, इंडिया वाली बात नहीं होती है. वो पेरेंट्स का होना, रिलेटिव्स का होना, द सेम यू नो व्हाट वी कॉल इट, द वाइब्स वी गेट इन फेस्टिवल, वो मुश्किल है बाहर में मिलना. तो इट्स क्वाइट डॉन्टिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री. होते हैं बच्चों को लगता है कि दादा दादी और नाना नानी के साथ में फेस्टिवल्स सब सेलिब्रेट करना चाहिए. इंडिया से निकले हुए लगभग 8-9 साल हो गए हैं और परिवार और दोस्तों के बाद जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करती हूँ वो है इंडिया का खाना. और त्योहारों पर खाने की कमी खास महसूस होती है. हालांकि हम सब कुछ बना लेते हैं घर पर, लेकिन खाने का जो स्वाद है वो अपने देश जैसा बिल्कुल भी नहीं होता. मैं बिहार में पली बड़ी हूँ और सत्तू, घुघनी, बचका, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है. मिलना तो कहीं नामुमकिन है और बनाना भी इतना आसान नहीं है. तो ये मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ. जब आप काम करते हो किसी दूसरे देश में तो ना सिर्फ आपका काम थोड़ा अलग होता है बल्कि जो काम करने का तरीका होता है वो भी काफ़ी अलग होता है. जैसे इंडिया में भी मैं फिनेंस में काम कर रही थी और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक सिमिलर काम कर रही हूँ, लेकिन वो काम बिल्कुल समान नहीं है. जो एक ऑफिस कल्चर होता है, जो आप यहाँ पर जो आपके काम करने के तौर तरीके होते हैं वो इंडिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं. पता नहीं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है इसका आंसर करना. आप लाइफ प्लान करते रहते हो, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और फिर लाइफ इतनी अनसर्टन होती है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है और सब इधर से उधर हो जाता है. तो मन में लगता है कि हाँ कभी वापस चले चलें, और फिर लगता है इट्स वेरी डाइसी थॉट आप. बट वही है कि देखेंगे जब समय आएगा, जिस दिशा में नैया चली है, जिस दिशा में भगवान ले चले हैं उसी डायरेक्शन में चले चलेंगे. तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है अगर आप बहुत सालों से बाहर रह रहे हो तो वापस अपने देश जाना इतना आसान नहीं होता है. उसका कारण ये है कि आप इतने सालों में अपनी गृहस्थी बसाते हो किसी और देश में. ये मुश्किल हमें जब हम इंडिया से यूएस गए थे तब भी आई थी, और ये कठिनाई हमें तब भी आई जब हम यूएस से स्पेन शिफ्ट हो रहे थे. तो मैं वापस से वहाँ घुल मिल जाऊँगी, सब कुछ मैं एडजस्ट हो जाऊँगी, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगेगा. जहाँ तक सेटल होने की बात है, मेरी बात है कि हम लोग को नहीं पता कि कितने दिन हम लोग यहाँ पर हैं. जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, और बाकी अच्छा है, ठीक है. जैसे कहते हैं ना, चिड़िया अपने घोंसले में वापस लौटती है, तो इंसानों की भी सेम फितरत है कि वो जहाँ उनके जो रूट्स है वो वहाँ जाना चाहते हैं. 30 ईयर्स हम अपनी लाइफ के एरिया में रहे हैं, इसलिए हम दोबारा कभी भी जाएंगे तो सेटल हो जाएंगे, और हम इंडिया दोबारा जाना चाहेंगे. परमानेंटली हमको इंडिया में ही सेटल होना है. So, हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम इंडिया जाएं और वहां सेटल हो जाएं. थैंक यू.
और एक और चीज़ जो है हम कई बार भूल जाते हैं और इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि हम इतने साल जब अपने देश से बाहर रहते हैं तो उतने सालों में हमारा देश भी बदलता है। तो जब आप वापस जाते हो इतने साल बाहर बिताने के बाद, तो आपके लिए अपने देश में भी कई चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं और वो एक फिर से एक कल्चर शॉक के जैसा फील होता है कि जिसे हम छोड़ कर गए थे ये वो नहीं है। फीलिंग है जैसे अच्छा, कई चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि बेटर फैसिलिटीज़ हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस है, पर कई बार आपको ऐसा लगता है कि अरे आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। हम ऐसे भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारे लिए तो ये सारी दुनिया एक परिवार है, तो अगर ये सब परिवार है तो हमें बस एक दूसरे के साथ अच्छा रहना, हम चाहे जहाँ भी रहें। और जब मैं देश से बाहर हूँ तो मैं अपने देश की प्रतिनिधि हूँ और मैं इस तरह से काम करना चाहती हूँ या कोई भी काम ऐसा सोच कर करना चाहती हूँ कि मेरे देश का नाम हमेशा सिर्फ उससे ऊंचा हो, कभी नीचा ना आए। तो जहाँ पर आप रहने लगते हो आपको अच्छा लगता है, इतने साल हो गए हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल बन गया है, देन यू गेट यूज टू द प्लेस, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया लगता है। पर जो कमी है इंडिया की वो हमेशा रहती है, वो हमेशा लाइक इट बॉदर्स। इंडिया जैसा कोई कंट्री नहीं है ऑब्वियसली। 6 फैमिलीज का सर्कल है, हम मिलते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों में खड़े होते हैं, फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। विदेश में भी थोड़ा सा वो एक देश और अपनापन का सुख मिल पाए, वही स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस ढूंढना, गैदरिंग्स में और फेस्टिवल्स में मिल जाना और साथ में सेलिब्रेट करना, तो यही है हमारी यहाँ की कैनेडियन लाइफ। अच्छा।